देखिए कीर्ति, अब ये घटना एक राजनीतिक क्रम हो गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी ट्विटर के जरिए इस पर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर, और ये कहा जाएगा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो ये पूरा क्राइटेरिया पुलिस को जो समझ में आया था, उसने ट्विटर के साथ साथ 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन 9 लोगों में कीर्ति आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा के नेताओं के साथ साथ कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, जो पुलिस का कहना है, उनका कहना है कि बिना किसी वीडियो की जांच किए हुए उन्होंने ट्विटर पर इस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया था। और चूंकि ट्विटर की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पुलिस ने इसका पहले ही खंडन दे चुकी थी जब ये ट्रेंड हुआ था, ट्रोल हुआ था ट्विटर पर, और ट्विटर ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। लेकिन जिस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, उनमें से जो युवक थे प्रवेश गुज्जर, जो मुख्य आरोपी बताया गया, और आदिल खान और शरद कुंज, इन तीनों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उस पिटाई के मामले में जो अन्य आरोपी फरार है, उनकी तलाश के लिए जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम है, वो उनकी तलाश कर रही है। लेकिन अब ये पूरा माहौल, जो बुजुर्ग की पिटाई हुई है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम बड़े राजनेताओं ने इस पर रिएक्शन भी दिए हैं कि किस तरीके की ये गुंडागर्दी हो रही है गाजियाबाद में। तो अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मामला सीधे सीधे गाजियाबाद से लखनऊ आ गया है और लखनऊ में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। तो अब जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, पुलिस उस पर किस तरीके की एक्शन लेती है, क्योंकि धाराएं गंभीर हैं और माहौल को खराब करने जैसी जो बातें हैं उसमें कही जा रही हैं। फिलहाल अब गाजियाबाद पुलिस अफसरों से सलाह मशवरा के बाद जो लोग पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करती है, ये आगे मालूम होगा। बिल्कुल शिवा, लगातार ये बातें भी चल रही है, क्योंकि विशेष समुदाय को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। वही मैं बता दूं, 25 मई को इम्यूनिटी खत्म हो गई थी ट्विटर की, उसके बाद ये पहला केस है ट्विटर के खिलाफ जब FIR दर्ज की गई है। तो क्या ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक अभी तक बयान आया है सामने? देखिए, जरूर इसी बात का कीर्ति इंतजार हो रहा है कि ट्विटर अपनी तरफ से कोई एक बयान जारी करेगा, और ये कहा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए वो अपना बयान दर्ज करेगा कि आखिरकार ट्विटर को इस FIR पे क्यों डाला गया। तो ट्विटर अपनी पुलिस की अपनी एक तकनीकी जो विंग होती है, जो साइबर सेल की जो विंग होती है, उससे सलाह मशवरा के बाद ट्विटर पर आरोप तमाम तरीके के लगाए गए हैं, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा के ये आरोप, कई ऐसे लॉस थे जो ट्विटर पर लगाए गए थे और रोक लगाई गई थी, और उसी का पालन ना करते हुए ट्विटर को आरोपी बनाया गया है। तो अब इस पूरे माहौल को ये राजनीतिक घटनाक्रम चूंकि हो चुका है, लेकिन बुजुर्ग का कहना है कि उसकी पिटाई किसी विशेष धर्म के चलते नहीं हुई थी, कोई भी नारे नहीं लगवाए गए थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लिखा गया था कि नारे ना लगवाए जाने पर उस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, लेकिन जब उस बुजुर्ग की पीड़ित बुजुर्ग की जब बाइट आई थी, जब हमने उनके बयान सुने थे, तो उन्होंने ये कहा था कि वो ताबीज बेचने का और झाड़ फूंक करने का काम करते हैं, लिहाजा जिसको भी उन्होंने ताबीज बेची थी उसका सकारात्मक बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हो पाया, इसलिए उन युवकों ने उसकी पिटाई की थी। तो पुलिस ने उस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ये जो नई FIR गाजियाबाद में दर्ज हुई है, ये सियासी घटनाक्रम है, और सरकार और पुलिस इसको किस तरीके से लेती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्विटर और 9 लोगों समेत FIR दर्ज कर ली गई है, हालांकि लगातार इस पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष हमलावर है और वो सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जाति की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं भाजपा करती है, उसको लेकर भी आरोप तमाम तरह के सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है उस पर अब ट्विटर पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि 25 मई के बाद ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म हो गई थी, जिसको लेकर मानहानि का दावा या फिर ऐसे किसी विशेष वर्ग को लेकर भड़काने का कार्य अगर किया जाता है या उससे किसी भी की भावनाओं को आहत होती है, तो ट्विटर के ऊपर 25 मई के बाद से कार्रवाई हो सकती थी। तो ये पहला मामला है ट्विटर के ऊपर केस हुआ है, जिसपे गाजियाबाद से ये केस किया गया है।